धार जिले के सरदारपुर के ग्राम पंचायत चालनी में भ्रष्टाचार से जुड़े एक थप्पड़ कांड की गूंज चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल ग्राम पंचायत चालनी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे और महिला सरपंच, सचिव, सहायक सचिव की मौजूदगी में आयोजन संबंधी कार्रवाई जारी थी। इसी दौरान सहायक सचिव राजेश उर्फ राम सिंह गोहरिया से प्रधानमंत्री आवास योजना पर बहस करने लगे और सहायक सचिव पर लोगों से 5,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वसूलने के बाद भी आवास योजना का लाभ न मिलने के चलते मांगीलाल जवरिया नामक व्यक्ति ने सहायक सचिव के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया। जिसके बाद सरपंच और अन्य लोगों ने मिलकर मामले को शांत किया। वहीं घटना की सूचना के बाद सरदारपुर CEO शैलेंद्र चौहान सहित अमझेरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। वहीं सहायक सचिव राजेश गोहरिया के अनुसार लोग उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने किसी से कोई रुपया नहीं लिया और इस मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही। वहीं सरदारपुर CEO से जब संपर्क किया गया तो वे घटना के विषय में जानकारी देने से आनाकानी करते रहे। टीम भारती न्यूज। क्या आया था विवाद? कहीं नहीं सर, ये आपसे विवाद के कारण मेरे को लोज करी और मेरे को झपट मारा गया था। मैं ये मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे शासकीय योजनाओं का, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय और लाली लक्ष्मी योजना, इस संबंध में काम चल रहा था शिविर में। आपसे रंजित के कारण उन्होंने आरोप लगाया और मेरे को गाली गलौज की और सचिव को भी गाली गलौज की। आपका नाम सर? राजेश गोहरिया, सहायक सचिव। ठीक। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।